देखिए उपसर्ग भाषा की बात के अंतर्गत उपसर्ग आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि आपको विकल्प प्रश्नों में आवश्यक रूप से पूछा जाता है। बेसमझ शब्द, ये समझ क्या है? एक शब्द है, शब्द से पहले जो पद लगता है या वर्ण लगता है उसे कहते हैं उपसर्ग। यहाँ पर ये बे नामक शब्द क्या है? उपसर्ग है। और सद्भाव में देखिए, सद प्लस भाव इसलिए सद्भाव, यानी कि ये सद, सद को इस तरह से लिखेंगे, द नहीं लिखेंगे, सद प्लस भाव सद्भाव। नीडर शब्द में डर एक स्वतंत्र शब्द है, उसके पीछे क्या लगा है? नीडर, यानी कि बिना डर वाला ही नीडर होता है। और यहाँ पर नीक शब्द क्या होगा? एक उपसर्ग शब्द होगा। आप लोगों को प्रत्यय, जब आप उपसर्ग और प्रत्यय में जाते हैं तो आप लोगों को दुविधा होगी कि ये आएगा ये आएगा। आप लोगों को आसानी से याद रखने के लिए उ हमारे वर्णमाला के अंतर्गत, बारह कड़ी के अंतर्गत उ पहले आएगा और प क्या होता है व्यंजन के अंतर्गत बाद में से आता है, इसलिए जो शब्द पहले आता है वो क्या है? उपसर्ग है। जो शब्द बाद में आता है वो प्रत्यय है। ऋषि प्रत्यय, प्रत्यय यानी कि मैंने कहा कि ये शब्द के बाद में आने वाला पद को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ये दुकान क्या है? एक शब्द है। ये दार क्या है? यहाँ पर प्रत्यय होगा, दुकानदार, यानी कि यहाँ पर दार शब्द प्रत्यय होगा। और बड़कीला, खड़क यानी कि एक शब्द है। अब यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा दी गई है और ला ईला प्रत्यय होगा। और गरीब, गरीब क्या है? एक स्वतंत्र शब्द है। यहाँ पर जो ई की मात्रा दी गई है वो प्रत्यय होगा, इसलिए बड़ी ई यहाँ पर क्या होगा? प्रत्यय होगा। इसलिए आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते समय कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से पढ़ना है। शब्द से पहले आने वाले शब्द को उपसर्ग कहेंगे, शब्द के बाद आने वाले शब्द को प्रत्यय कहेंगे। बार बार करेंगे तो अभ्यास होगा, आपको गलती नहीं होगी, इसलिए जरा बार बार प्रयत्न कीजिए। अब मीठा भाववाचक पद, यानी कि मीठा, जो चीज मीठी होती है उसे मीठा कहते हैं। मीठापन, मीठापन, यहाँ पर मीठापन पन लगा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। प्रसन्न यानी कि हम खुश होते हैं, प्रसन्नता। बूढ़ा, बूढ़ा यानी कि जो वृद्ध होते हैं उन्हें बूढ़ा कहते हैं, उससे उनको क्या होगा? बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा, बुढ़ापा।